पीची जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ड्रेफ्टिंग करेंगे सिंपल सूट और प्लाजो की। तो ये हमारा सूट का कपड़ा है, ये जो वर्क है इस पे ये आड़े में है, इसको हम सीधा नहीं निकाल सकते, सीधा भी निकाल लेते ये बॉर्डर दिया हुआ नीचे, तो इसीलिए हम इसको अगर जो सीधा निकालते थे ये हम यहाँ से कट करके इसको सीधा निकाल देते ऐसे, इसीलिए हमने इसमें आड़े में ही कटिंग करनी पड़ेगी प्लाजो की भी और कुर्ती की। तो करते हैं कुर्ती की कटिंग। ये हमारा मेजरमेंट है, लंबाई है 43 और छाती है 40 और कमर है 36, हिप है 44 और बाजू हमने लेनी है 10 तैयार और मोरी है 12। तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं सूट पे निशान। हम सबसे पहले लेंगे लंबाई का निशान। तो ये जो वर्क यहाँ पर डिजाइन है यहाँ तक हमारी लंबाई आएगी, ये नीचे हमारा फोल्ड के लिए हो जाएगा तैयार। तैयार हमारी लंबाई है 43, तो ये पूरा ही हमारा 43 आ रहा है बिल्कुल जो हमें लंबाई चाहिए। अब लगाएंगे निशान तीरे के लिए। तीरा लेंगे हम इसमें 6.5, 6.5 पे ये हमने निशान लगा दिया और 6.5 ही हम नीचे से लेंगे। ये निशान लगाएंगे हम 7 पे। अब लेंगे हम चेस्ट का निशान, चेस्ट हमारी है 40, तो 40 को हम 4 उसमें कर देंगे तो आ जाएगा 10, 10 पे निशान लगा लेंगे। ये हमने 10 पे निशान लगा दिया और 2 इंच हमने ये लूजिंग के लिए ले लिया। अब लगाएंगे हम कमर के लिए निशान, कमर के लिए ये हम लेंगे 14 पे और ये लगाएंगे हम हिप के लिए 21 पे। कमर हमारी है 36, तो 36 को भी हम 4 उसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 9 पे निशान लगाएंगे कमर के लिए, 2 इंच लूजिंग के लिए। अब लगाएंगे हिप के लिए निशान, हिप हमारी है 44, तो 44 को भी हम 4 उसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 11 पे निशान लगा देंगे। ये हमने लगा दिया 2 इंच बढ़ा के। अब इन निशानों को आपस में मिला देते हैं। छाती को कमर से निशान आपस में मिला देंगे। और ये फिर कमर से हिप तक का ये निशान है, इसको आपस में हम मिला देंगे दोनों को। अब हम देंगे यहाँ पर आर्म होल के लिए गोलाई, तो ये रखेंगे हम 1.5 इंच पे निशान लगा दिया ये हमने, ये देखो 1.5 इंच के लिए, क्योंकि हमारी 40 से ऊपर है तो हम लेते हैं 1.5 इंच से 1.5 इंच, अगर जो 40 से कम हो तो 1 इंच पे निशान लगाते हैं, तो ये हमने 1.5 पे निशान लगा के और ये हमने शेप दे दी, ये हमारी कटिंग के लिए शेप है। अब स्ट्रेट कुर्ती है ये, तो जितना हमारा 13.5 पे निशान है तो 13.5 पे भी हम यहाँ लगाएंगे निशान, 13.5 पे, और ये लगा दिया हमने 13.5 पे और इन दोनों को आपस में हिप से और ये नीचे तक मिला देंगे, ये निशान लगा दिया हमने यहाँ पर। ये डिजाइन हमारा आड़ा था इसीलिए हमने आड़े में ही निशान लगाया है। अब करते हैं इसकी कटिंग।
ये हमारा मेजर वो है बॉडी माप, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये निशान लगाए हैं। देखो जी, ये हमारी है चेस्ट, हमारी 40 है, तो 40 का हमने फोर्थ पॉइंट लेके फोर्थ उसमें डिवाइड करके तो ये 10 पे हमने निशान लगाया है। 2 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया है फिटिंग के बाद, जो हम मार्जिन लेते हैं, 1.5 भी ले सकते हो आप, 2 भी ले सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं ले सकते, ज्यादा हो जाएगा वो तो। फिर ये फिर हमने लगाया है यहाँ से तीरा लगाया निशान 6.5 पे, आप गले के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं ये चीज, तो ये हमने 6.5 पे लगाया, ये हमने 7 लिया है, 7 पे हमने ये निशान लगाया 10 पे, और फिर यहाँ से ऊपर से लेके और ये कमर का निशान लगाया हमने 14 पे कमर के लिए, तो कमर हमारी है 36 को फिर हमने 4 उसमें डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 9 पे ये हमने निशान लगाया है। 2 इंच हमने फिर मार्जिन लूजिंग के लिए लिया, जो साइड में फिटिंग देने के बाद लेते हैं। अब हमारी हिप है 44, ये 44 पे हमने निशान लगाया है, हिप के लिए हमने लिया ऊपर से 21 पे निशान, आप अगर जो हाइट आपकी लंबी है तो आप 22 पे भी निशान लगा सकते हैं, तो इसको भी हमने फोर्थ उसमें डिवाइड कर दिया, 4 भाग कर दिए, तो हमारा हो गया 11 पे ये हमने निशान लगा दिया, और ये 2 इंच हमने फिटिंग देके लूजिंग जो लेते हैं कपड़े की उसके दिया निशान। फिर यहां से और हिप तक हमने लिया है जितना हमारा सीधा निशान है। अब इसकी करते हैं हम कटिंग। अगर जो आपको कोई किसी चीज का डाउट हो तो आप हम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो करते हैं इसकी कटिंग। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये हर चीज आपको समझाई है। अगर जो किसी को ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब करें इसकी कटिंग, तो देखना कैसे कटिंग करते हैं। कुर्ती की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब करेंगे प्लाजो की कटिंग। अब इसमें हम कटिंग करेंगे बॉक्स प्लाजो की, तो ये भी हमारा आडे में ही कटिंग होएगा, तो ये जो डिजाइन है इसमें हम आडे में ही लेंगे। तो बॉक्स प्लाजो के लिए हमने इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे 4 उसमें, ये हमने ऐसे फोल्ड करेंगे। अब लगाते हैं हम बॉक्स प्लाजो के लिए निशान। तो हमें लंबाई चाहिए 36, तो 36 के लिए हम लेते हैं इंची टेप से, ये ज्यादा है तो इसके लिए हमने यहां से निशान लगाना पड़ेगा। ये ले, ये आ रहा हमारा 36, नीचे ये हमारा फोल्ड हो जाएगा, ये नीचे प्लेन दिया हुआ है, और ये जो डिजाइन बना हुआ है इसे ऊपर लेंगे यहाँ तक, ये निशान लगा लेते हम 36 पे। ये 36 पे हमने निशान लगा लिया, इधर से भी हम 36 ले लेंगे। इस प्लेन कपड़े को हम छोड़ के अपना निशान लगाएंगे, ये जो हमारा डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पर इंच टेप रख के, और ये निशान लगाएंगे 36 पे। इन दोनों नाप को हम मिला देते हैं आपस में, अब लगाते हैं हम कमर के लिए निशान। इसमें आसन हम वन साइड से कटिंग होता है हमेशा बॉक्स प्लाजो में, तो हमारा आसन इधर से कटिंग होएगा ना कि इधर से, ये हमारा खुली साइड है, ये देखो ये कटिंग होके हमारा खुली साइड हो जाएगा ये, तो
तो इसीलिए हम यहाँ से इसका आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हम लेंगे 13 पे। ये 13 पे हमने निशान लगा लिया और ये हम लेंगे यहाँ से 2। दो ही हम यहाँ से निशान लगा देंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देते हैं। अब ये देंगे हम थोड़ी सी गोलाई आसन के लिए, तो ये हमने दे दी गोलाई। अब यहाँ से हमारी कमर का ये यहाँ से और ये यहाँ तक हमारी कमर आएगी। इसी में ही हमने बॉक्स डालने हैं, तो इसकी अब हम करते हैं। कोई इसमें कटिंग वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ आसन ही कटिंग होता है और ये कटिंग हो जाएगा। तो करते हैं इसकी कटिंग। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो ये जो हमने निशान लगाया है इसी पे ही हम कटिंग करेंगे पहले। अब करेंगे इसके आसन की कटिंग। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये और कर देंगे यहां से और कटिंग, ये आपस में अलग अलग कर देंगे इनको। इधर की कंप्लीट हो चुकी है, ये नहीं काटेंगे, इसको ध्यान रखना। ये जो हमारा ज्वाइंट है इसका, इसको हम कटिंग नहीं करेंगे। तो अब करते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में सिलाई की, तो आपको दिखाएंगे। अगर जो आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करना वीडियो को और शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।